हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन कर्णन आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लव फॉर नेचर में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, नेचुरल फर्टिलाइज़र, होममेड फर्टिलाइज़र। आप लोग चाहे तो इसे बॉयल्ड राइस वाटर फर्टिलाइज़र भी कह सकते हैं, जो आपके प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें काफ़ी भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स है, जो आपके प्लांट्स के लिए ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले आप लोग जो ये घर पर भात बनाते हैं, तो लास्ट में जो लिक्विड बचता है अपन लोग को, जो चावल बनाने के बाद जो बचता है, ये वही माड़ है। इसे हम लोग माड़ भी कहते हैं। और इसे सबसे पहले आप लोग अच्छी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाए तो आप लोग अपने प्लांट में कैसे इसे ऐड करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप किसी भी बाल्टी या कंटेनर ले लें और इसमें ये लिक्विड का 1 ग्लास फुल हमें देना है। देख सकते हैं मैंने 1 ग्लास फुल ले लिया है। अब हम लोग इसमें 10 ग्लास वाटर ऐड करेंगे। इसमें मैं वाटर ऐड कर देता हूँ। 1 ग्लास लिक्विड फर्टिलाइजर का देना है और 10 ग्लास देना है वाटर का। देख सकते हैं मैंने यहाँ 10 ग्लास वाटर इसमें ऐड कर दिया है। 1 ग्लास ये हमारा लिक्विड का और 10 ग्लास वाटर हम लोग को ऐड करना है। 1:10 के रेशियो में हम लोग को ऐड करना है। अच्छे तरीके से मैंने ऐड कर लिया है और इसे अब हम लोग थोड़ा मिला लेंगे ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से वाटर के साथ ये मिक्स हो गया है। अब चलिए हमारे प्लांट में इसको किस तरह ऐड करना है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। चलिए इसे ऐड करते हैं अपने प्लांट में। इसे 1 सीना वीक आप लोग अपने प्लांट में दे सकते हैं और 1 प्लांट में 1 ग्लास काफ़ी रहेगा। सबसे खूबी है इसकी कि सबसे आसानी से बन जाता है, होममेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये किसी प्रकार का भी आपके प्लांट्स को हार्म नहीं पहुंचाता है। काफ़ी इजीली आप लोग इसे घर पे बना सकते हैं और लगभग आप लोग सभी प्लांट में दे सकते हैं इसे। चाहे आप लोग के फ्लावरिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो या शो प्लांट हो, सभी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं प्लांट्स रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।